वेलकम टू ज्योति एजुकेशनल सेंटर। तो स्वागत है आपका प्रोनाउन की सीरीज में। लास्ट वीडियोस में मैंने पर्सनल प्रोनाउंस देन उसका सेकंड टाइम डिस्ट्रीब्यूटिव पजेसिव प्रोनाउन मैंने आपको बता दिए थे, यानी थ्री टाइप्स के प्रोनाउंस मैंने कंप्लीट करवा दिए थे। तो आज मैं आपको फोर्थ टाइप का प्रोनाउन यानी कि डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउंस के बारे में बताने जा रही हूँ। तो फ्रेंड्स, लेकिन अगर उससे पहले आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल एंड डोंट फॉरगेट टू प्रेस बेल आइकन बटन सो दैट यू कैन नेवर मिस एनी अपडेट्स और एनी वीडियो। तो आइए लेट्स स्टार्ट डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउंस। डिस्ट्रीब्यूटिव मतलब बांटना, इसी का नाम प्रोनाउन किस बेस पर पड़ा, क्योंकि यहाँ भी हम किसी भी चीज को बांटता हुआ आपको दिखाएंगे। कैसे? देखिए, सबसे पहले थ्री टाइप्स के डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन होते हैं, ईच, ईदर, नीदर, या फिर आप बोल सकते हैं आइदर, नाइदर, ईदर और नीदर, कुछ भी आप बोल सकते हैं, ठीक है। तो ईच का मतलब सबसे पहले हो गया, क्या डिफरेंस होता है? ईच का मतलब होता है प्रत्येक, आइदर का मतलब हो गया दो चीजें हैं, दो में से कोई एक, ठीक है। एंड नाइदर का मतलब हो गया दोनों में से कोई नहीं। एग्जाम्पल के साथ आपको इसका यूज समझ आ जाएगा। सबसे पहले आप यहां पर समझिए, ईच, ईच मतलब हो गया प्रत्येक, यानी बहुत सारी कोई चीजें हैं और प्रत्येक मतलब हो गया एक एक करके, एक एक करके, एक एक करके, प्रति एक, प्रत्येक मतलब प्रति एक, मतलब सारी चीज हम ले रहे हैं लेकिन एक बार में एक एक चीज। स्टार्ट करने से पहले आप समझ लीजिए, ईच, आइदर और नाइदर, इन तीनों के साथ हमेशा सिंगुलर वर्ब ही यूज होगी, क्योंकि ये तीनों एज अ सब्जेक्ट वर्क करेंगे। ईच, आइदर और नाइदर किसी भी सेंटेंस में एज अ सब्जेक्ट वर्क करेंगे, और ये सब्जेक्ट जो होते हैं वो सिंगुलर होते हैं। तो सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग भी हम हेल्पिंग वर्ब का यूज करते हैं या वर्ब का यूज करते हैं, तो यहाँ पर हमेशा हम सिंगुलर वर्ब भी लेंगे। मैं आपको आगे सेंटेंस में ही बताती हूँ। सबसे पहले हम बात करते हैं ईच की। जैसे कि मैंने कह दी, ईच मैगजीन वॉज इन इट्स प्लेस, ये तो आपका क्लियर हो गया, ईच सब मैगजीन, प्रत्येक मैगजीन अपनी प्लेस पर थी। अच्छा, ये आप सोच रहे हो प्रत्येक मतलब तो सब कुछ आ गया, तो ईच हमारा सिंगुलर क्यों हो गया, प्लूरल क्यों नहीं? क्योंकि मैंने आपको बताया प्रति एक, प्रत्येक का यहाँ पर मतलब था प्रति एक, यानी जितनी भी मैगजीन्स थी, सपोज 10 मैगजीन्स थी, ठीक है, यहाँ पर 10 मैगजीन्स थी, लेकिन हम एक बार में एक ही मैगजीन की बात करेंगे। ईच मतलब एक एक करके सभी मैगजीन अपनी प्लेस पर थी, प्रति एक, हम जितनी भी 10 मैगजीन है सबको लेंगे लेकिन प्रति एक मतलब एक बार में एक, इसलिए ईच हमारा सिंगुलर होता है, ठीक है। अब देखिए कैसे यूज करते हैं, ईच ऑफ द बुक्स इज माइन, मतलब यहाँ पर जितनी भी बुक्स है सब मेरी है, ईच ऑफ द बुक्स इज माइन। अब आप क्या गलत मिस्टेक करोगे एग्जाम में, कॉम्पिटिटिव एग्जाम में, यहाँ पर ये बुक्स है आप इसके अकॉर्डिंग यहाँ पर लगा दोगे, लेकिन मैंने क्या कहा था, सब्जेक्ट जो होता है ईच उसके अकॉर्डिंग ही वर्ब लगेगी, और ईच के साथ हमेशा सिंगुलर वर्ब भी लगेगी, ईच, ईच के अकॉर्डिंग लगाना है ना। तो प्रति एक बुक्स मतलब एक एक जो बुक है यहाँ पर वो सब मेरी है, ईच ऑफ द बुक्स, बुक्स मतलब जितनी भी एक एक बुक्स है सब मेरी है, ध्यान रखना है यहाँ, ये वाली मिस्टेक बहुत होगी। चलिए एक और एग्जाम्पल से मैं आपको समझाती हूँ, Each of the students is playing in the playground. यानी बहुत सारे स्टूडेंट है, मतलब हर एक स्टूडेंट, प्रत्येक मतलब एक एक स्टूडेंट जो भी है वो प्लेग्राउंड में खेल रहा है। अब यहाँ भी स्टूडेंट में से जितने भी एक एक करके सब है, ईच, ईच के साथ इस, ठीक है। सेम इधर नीधर, देख लीजिए इधर नीधर का क्या इस करना है, इधर कोई सेंटेंस में लिखती हूँ, देखिए मैं आपको पहले एग्जाम्पल समझाती हूँ। ये मेरे हैंड में दो पेन है, ठीक है, अब मैं इसमें से इसको बोलूंगी, इसमें से एक पेन मेरा है, ईदर ऑफ द पेन इज माइन, यानी कि ईदर और नीदर का मतलब होता है जब भी हम दो चीजों में से कंपेयर करते हैं, केवल दो चीजों में से, जैसे ये दो पेन है तो इन दोनों में से एक मेरा है, तो मैं क्या बोलूंगी, ईदर ऑफ द पेन इज माइन, ईदर ऑफ द पेन इज माइन, दोनों पेन से और उसमें से एक मेरा है, तो यहां तो हम डायरेक्ट एक ही की बात कर रहे हैं, इसलिए सिंगुलर है, ठीक है। तो मैं आपको सिंपल एग्जांपल से एकदम बता रही हूं कैसे, ईदर ऑफ द पेन्स यानी दोनों पेनों में से कोई एक मेरा है, यहां पर मैंने लिखा है ना, दोनों में से कोई
होगी एक चीज, ठीक है। या फिर एक और एग्जांपल ले लीजिए, एक और मैं एग्जांपल लिखती हूं, ईदर ऑफ यू हैज डन इट। अब यहां पर देखो जनरली क्या होगा, यू के साथ तो जनरली देखिए है, बोलने में भी बहुत अच्छा लग रहा है, ईदर ऑफ यू हैव डन इट, लेकिन ये गलत हो जाएगा। यहाँ पर हैज का ही यूज होगा, क्योंकि ईदर क्या है सिंगुलर, ईदर क्या है यहाँ पर सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग वर्ब लगती है, और ईदर नीदर और ईच हमेशा ही सिंगुलर होते हैं, ये बात आप ध्यान रखिएगा, ऑलवेज सिंगुलर। दीज थ्री वर्ड्स आर प्रोनाउंस आर ईच ईदर नीदर आर ऑलवेज द सिंगुलर। तो ईदर ऑफ यू हैज डन इट, ध्यान रखिएगा, ये बहुत कॉमन मिस्टेक है। यू के साथ हम ध्यान नहीं देते, हैव सही कर देते और हमारा गलत हो जाता है। यानी कि कोई काम है, तुम दोनों में से कोई, मेरे सामने दो जने बैठे हो, क्योंकि हम ईदर और नीदर में दो ही जने की बात करते हैं, तुम दोनों में से किसी एक ने ये किया है, ठीक है। सिमिलरली नीदर का भी देख लीजिए, अब ये दो पेन है मेरे पास, इन दोनों में से कोई भी मेरा नहीं है, कोई मुझे पेन शो कर रहा है, नीदर ऑफ द पेन इज माइन, तो कैसे लिखूंगी मैं सेम, एक ही तरह का मैं एग्जांपल दे रही हूं जिससे आप कंफ्यूज ना हो। फिर मैं बता रही हूं पेंस आर माइन लिखने की गलती मत करिएगा, यानी दोनों में से, इन दोनों में से कोई भी मेरा पेन नहीं है, ठीक है, दोनों में से कोई नहीं है, इधर मतलब ऐसे तुम में से किसी ने भी, तुम दोनों में से किसी ने भी ये काम नहीं किया है। अच्छा, इधर नीदर लगाती है मैं टू पर्सन बता के रखती हूँ, ऑटोमेटिक है कि हम दो चीजें हैं इधर, ठीक है, नीदर ऑफ यू हैज डन इट मतलब तुम दोनों, इधर भी नीदर ऑफ यू हैज डन इट, तुम दोनों में से किसी ने भी यह नहीं किया है, ऑलरेडी अंडरस्टूड है, हमें टू पर्सन बताने की जरूरत नहीं है, नीदर ऑफ यू हैज डन इट, दोनों में से किसी ने भी ये नहीं किया, तो इस तरह से हम यूज करते हैं। तो यहाँ पर मैंने कुछ सेंटेंसेस लिखे हैं जिसमें कुछ आपको करेक्शन करना है, और हो सकता है सही भी हो, तो पहले आप सेंटेंसेस नोट कीजिए अपनी कॉपी में, देन अपने आप सॉल्व कीजिए, फिर मुझे फॉलो कीजिए, इससे आपको डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। बहुत इजी है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन, बस आपको क्या चीज ध्यान रखनी है, ईच ईदर नीदर ये तीनों डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन है, हमेशा सिंगुलर वर्ब ही लेते हैं, कभी प्लूरल नहीं हो सकते, और ये इसी टाइप की मिस्टेक मैंने इन सेंटेंसेस में करी है, तो देखिए बहुत ईजी हो जाएंगे आपके लिए। देखिए ईदर ऑफ द पेन्स हैव बीन स्टोलन, ईदर मैंने क्या कहा था, हमेशा सिंगुलर वर्ब लेते हैं, तो फोकस आपका होना चाहिए हेल्पिंग वर्ब कौन सी यूज हो रही है, इनमें से कोई पेन चोरी हो गया है, दोनों में से कोई एक पेन चोरी हो गया है, कभी नहीं लेते, सिंपल। नीदर ऑफ यू हैज डन देयर ड्यूटी वेल, अब इसमें आप बताइए, नीदर ऑफ यू हैज डन देयर ड्यूटी वेल, अब इसमें तो ये पूरा सही लग रहा है, नीदर ऑफ यू हैज भी लग रहा है, इसमें हैव भी नहीं लग रहा, तो फिर ये देखिए, जब यहां पर हम सिंगुलर ले रहे हैं तो यहां पर प्लूरल कैसे आ गया, देयर मतलब दे काफी लोगों के लिए यूज होता है, तो हम इसमें से लिखेंगे नीदर ऑफ यू हैज डन हिज ड्यूटी वेल, तुम में से किसी ने भी अपनी ड्यूटी ढंग से नहीं निभाई, ठीक है, और यहां पर हम हिज भी लिख सकते हैं, हर भी लिख सकते हैं, लेकिन जब हमें पता ना हो कि जेंडर क्या है तो सबसे पहली प्रायोरिटी हम ज्यादातर हिज को दे देते हैं, ठीक है, हर भी गलत नहीं होगा, लेकिन हमेशा मेल को हम पहले लिखते हैं, ठीक है। ईच ऑफ द प्लांट्स आर प्लांटेड इन दिस गार्डन, अगेन ईच ऑफ द प्लांट्स, एक एक प्लांट इज प्लांटेड, एक एक प्लांट, ईच मतलब प्रत्येक, एक एक बार में एक ही चीज की बात कर रहे हैं सिंगुलर को। ईदर ऑफ यू इज करेक्ट, तुम में से कोई एक करेक्ट है, बिल्कुल, और ये सेंटेंस भी करेक्ट है, क्योंकि आदमी, नीदर ऑफ योर पेरेंट्स इज कमिंग हियर, कोई भी पेरेंट, तुम्हारा कोई भी पेरेंट्स इधर नहीं आ रहा, पेरेंट्स मतलब मम्मी पापा, मम्मी पापा में से दोनों में से कोई भी नहीं आ रहा, और ये भी सही है, इजी आएगा, अगर आर होता तो यहाँ गलत होता, ठीक है। तो आई होप अब आपको समझ आ गया होगा, तो कैसी लगी मेरे आज की वीडियो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके मुझे बताइए, और अगर आपको कोई भी डाउट है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए, अभी तक किसी भी वीडियो में आपको डाउट है तो मैं आपके डाउट्स नेक्स्ट वीडियो में जरूर क्लियर करूंगी अगर आप मुझसे पूछोगे, तो बने रहिए मेरी प्रोनाउन की सीरीज के साथ, नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बताऊंगी इसी से रिलेटेड रेसिप्रोकल प्रोनाउन, टिल देन बाय बाय, टेक केयर।